नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। जमीन का मुआवजा देना होगा, देना होगा, जमीन का मुआवजा देना होगा, देना होगा। प्रबंधन तुम होश में आओ, प्रबंधन तुम होश में आओ, चलो कलाल को जो आएगा मार मार के टुकड़ा कर देंगे। की समस्या तुम्हारे की होगा? जमीन नहीं है, আমাদের জমিন কুড়িয়ে দিনছে, নিয়ে নিনছে জমি, আমাদের কুড়া হয়ে গেছে, অনেক গাঢ়া করে দিনছে, জল ভরে গেছে জায়গায়, কি বলে যে আমাদের এখনো পেমেন্ট দেয়নি এখনো পর্যন্ত, আজ দেড় বছর হতে চলবে। তারপর আগে দিন ছিল যেটা, সেটা তো না করিয়ে দিল, আর পরে যেটা বললো সেটাও দিবার নাম নাই। এখন বলছে যে তো কি বলে 14,000 টাকা দিস গেল, আর অপর থেকে আরো ধমকি দিছে, কেস করবো, কেস করবো, জেল করে দিব। ঘরে যাই বলছে যে তোমরা চালু করতে দাও, নাই তো তোমাদের কি বলে যে জেল হবে। এখন তোমরা কি জেলে নিয়েছো? হ্যাঁ, জেল যেতে রেডি আছি। হ্যাঁ, তো জেল এমনি আমরা দেবো না, কাকু মারবো তবে জেল যাবো, এমনি জেল যাব না, এমনি কি জেল যাব। তোমার নাম আর পরিচয়? সমাপ্তি রায়। তোমাদের কত জমি আছে? আমাদের 1 একর 72 ডিসমিল, 62 ডিসমিল। ঠিক, জমিন কা কি সমস্যা আপ লোগো কা? জমিন কা সমস্যা জেসে প্যাচ সি শুরু হোনে সে পহলে হাম রহিয়ে তো কো বিনা সূচনা সে বিসিসিএল প্রবন্ধন নে एक विष्णु ट्रांसपोर्टिंग कंपनी हम लोग के ज़मीन पर उतार दिया कोयला खनन के लिए। तो हम लोग जब आपत्ति किए तो बोला कि ठीक है, आप लोग का सारा फैसिलिटी दिया जाएगा, जमीन जमीन है तो जमीन का मुआवजा दिया जाएगा, जमीन का सारा पेपर आप सबमिट कीजिए भू संपदा कार्यालय में। तो हम लोग जितना था उतना किए, उसके बाद जितना अपडेट नहीं था वो भी अपडेट कराएँ। कराने के बाद बोला कि 2 एकड़ दीजिए, नौकरी देंगे। तो जिसका पास 2 एकड़ है उसको तो नौकरी दिया गया या उसका प्रोसेस चल रहा है, और किसी के पास 2 एकड़ नहीं है, कम है, किसी के पास 1 एकड़ है, 1.5 एकड़ है, 50 डिसमिल है, 20 डिसमिल है। तो उनको बोला गया था कि ठीक है, आप नौकरी लेने के आप ई नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आपको 4 गुना कमर्शियल दर में 4 गुना मुआवजा नौकरी नहीं लेने पर दिया जाएगा। फिर रेट 15,000 से 18,000 डिसमिल हो गया, तो उसके हिसाब से एग्रीमेंट के टाइम पर ही उसी पीरियड में ही 18,000 प्रति डिसमिल हो गया, तो उसके हिसाब से 4 गुना के हिसाब से 72,000 रुपये प्रति डिसमिल होता है हम लोग का जमीन का मूल्य। मतलब जमीन कोड़ने के पहले ऐसा बात हो रहा? हाँ, जमीन कोड़ने से पहले बात हुआ था, फिर माइंस शुरू होने के बाद जब हम लोग नहीं दिया जा रहा था तब हम लोग लड़ाई लड़े, तो एग्रीमेंट करके लिखित दिया 4 गुना कमर्शियल दर का आप लोग को पेमेंट 15 जून 2021 तक आपका भुगतान कर दिया जाएगा, उसका लिखित भी मेरे पास है। चार को रेट है, 4 को रेट में से कमर्शियल दर का 4 गुना हम लोगों को देने का लिखित एग्रीमेंट मैनेजमेंट की तरफ से हम लोग को दिया गया है। फिर इंडस्ट्रियल रेट बोला आप लोग? इंडस्ट्रियल रेट में जैसे इंडस्ट्रियल रेट में 9,000 रुपया डिसमिल है प्रति डिसमिल, उसके हिसाब से 36,000 रुपये प्रति डिसमिल हो रहा है। तो उसमें भी जब नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग निराश हो चुके हैं, एकदम हताश हो चुके हैं। अभी हम लोग इंडस्ट्री रेट में भी हम लोग राजी हो गए, लेकिन वो भी बहुत कष्ट से राजी हुए थे, लेकिन उसका भी समय पार हो गया, वो भी नहीं हो रहा है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि 14,000 रुपया में प्रति डिसमिल पैसा कंपनी, नहीं तो हाथ खड़ा कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जमीन तो है ही नहीं है, जमीन जमीन का नामो निशान नहीं है। बीसीएल करीबन 2.5-3 लाख टन कोयला निकाल चुके हैं हम लोग की जमीन से। आप लोग किसी बैनर का समर्थन नहीं लिए? बैनर का इसका क्या कारण है? बैनर का समर्थन इसलिए नहीं लिया कि बैनर से हम लोगों का उतना, यहाँ पर जो है बैनर और जो भी संगठन है उन लोग से हम लोग का उतना विश्वास नहीं है। काहे कि जो भी जब भी संगठन में गए हैं हम लोग का कोई फायदा नहीं हुआ आज तक। तो बोल रहे हैं, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम निर्मल कुंभकार, पिता स्वर्गीय विभूति कुंभकार, ग्राम दहीवाड़ी। धन्यवाद।